ऑप्शन हमने यूज करके देखा। इसी तरीके से ये तो था इंटीजर यानी 16 बिट का इंस्ट्रक्शन था। अगर आप चाहते हैं कि डबल इंटीजर की कोई वैल्यू है यानी बड़ी वैल्यू है, तो MD0, MD मैंने यहाँ पे 4 ले लिया और MD यहाँ पे मैंने 8 ले लिया। तो बड़ी वैल्यू अगर है एवन 32767 है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, शिफ्ट राइट डबल इंटीजर यूज करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप वैल्यू कैसे फीड करेंगे। तो पीएलसी में मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल में आप यहाँ पे चले जाइए और यहाँ से आप वैल्यू किस एड्रेस पे वैल्यू है, MD0, MD मैंने यहाँ पे 4 ले लिया और MD मैंने यहाँ पे 8। तो जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे फॉर्मेट आप बाइनरी कर दीजिए, ये मैं डेसिमल कर देता हूँ कि कितनी बिट शिफ्ट करना है और ये यहाँ पे बाइनरी आ जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आप मॉडिफाई कर लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना आए समझने में। तो यहाँ पे वैल्यू आप लिख सकते हैं, रैंडमली मैंने कोई भी वैल्यू लिख दिया और एंटर कर दिया। ये देखिए इस तरीके से मैंने डबल इंटीजर में वैल्यू फीड की और कितनी बिट शिफ्ट करना है, 1 बिट शिफ्ट करना है। तो लास्ट वाली बिट में यहाँ पे एक बार चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 1 बिट शिफ्ट करना है और रिजल्ट यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ स्टेटस वैल्यू में हमें मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है अपडेट मॉनिटर कर दीजिए। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू मैंने फीड किया यहाँ आ गए और जो लॉन्ग वैल्यू है वो यहाँ पे है। अब देखिए जैसे ही मैं इनपुट नंबर 0 प्रेस करूंगा, यहाँ से देखेंगे जैसे ही मैं इनपुट नंबर 0 प्रेस करूंगा, अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ। इनपुट नंबर जैसे ही 0 प्रेस किया तो यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यू हमारी चेंज होके आई है, यहाँ पे रिजल्ट आ गया नीचे। तो रिजल्ट अगर आप ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर मुझे फिर से वैल्यू चेक करना पड़ेगा MD4 में। एक मिनट, ये मैं 1 कर देता हूँ लॉन्ग इंटीजर, इसको मॉडिफाई कर देते हैं यहाँ से, अपडेट एक्टिवेट मॉडिफाई वैल्यू एंड अपडेट। यस अभी अपडेट हुआ है, राइट। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से प्रेस करता हूँ इनपुट 0, तो यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे 1 जो वैल्यू है मेरी, यहाँ से मुझे शिफ्ट करना है एक वैल्यू। तो यहाँ देखिए रिजल्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये शिफ्ट राइट है यानी राइट में हमारी वैल्यू क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। ये मेरे पास 0100 लास्ट वैल्यू, अगर मैं एक बिट शिफ्ट करता हूँ, ये एक मिनट में यहाँ से फिर से ये 1 वैल्यू फीड करता हूँ। आपको अगर मॉडिफाई करना है, एक और तरीका यहाँ पर राइट क्लिक करके मॉनिटर एंड यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं जिससे कि वैल्यू हमारी यहाँ पर मॉडिफाई हो जाए। अब यहाँ से जब मैं इनपुट प्रेस करूंगा तो देखिए अब बिल्कुल सही आ रहा है रिजल्ट, राइट, क्योंकि वैल्यू मॉडिफाई नहीं होती। यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू जो है एक एक राइट शिफ्ट हो गई, 0010 है लास्ट में और एक एक अगर शिफ्ट होगी तो क्या होगा, 010 और ये यहाँ से 1 हो जाएगा। देखिए 0101 एक एक वैल्यू शिफ्ट होगी। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ आ गई, ये देखिए यहाँ से राइट साइड से वैल्यू देखिए, ये वाला जो डिजिट है 11110 ये देखिए इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 यहाँ आ गए, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये 0 इधर खिसक गया तो 301 है, एक बिट रह गया, उसके बाद ये बिट अगले में चला गया 1 और फिर 0 देन 10 इस तरीके से। यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूंगा तो माय फ्रेंड देखिए क्या होगा, दो दो बिट हमारी शिफ्ट हो जाएंगी। मॉडिफाई करके देख लेते हैं, अब इनपुट प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए दो दो शिफ्ट यानी ये वाला 1 लास्ट में चला गया, ये देखिए सारी दो दो बिट शिफ्ट हो गई, यानी यहाँ पे देखिए ये 1 है यहाँ जाएगा, यानी 0011 फिर यहाँ से दो दो बिट हमारी शिफ्ट हो गई। तो ये है बेसिकली डबल वर्ड का इंस्ट्रक्शन जो हमने यूज करके अभी देखा, शिफ्ट राइट डबल इंटीजर। देन आता है हमारा शिफ्ट लेफ्ट वर्ड। तो वर्ड में क्या होगा, हमारा सीधे वर्ड एड्रेस ले लीजिए यानी 2 और ये यहाँ पे रिजल्ट हमारा 4 पे ले सकते हैं आप, यहाँ से रन करा लीजिए। इसको मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ क्योंकि जो डिबगिंग का है आप ये हटा सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर दीजिए देन मॉनिटर कर लीजिए। इसके लिए आप सीधे इसी सिमुलेटर में जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे जाएंगे तो MW0 ले लिया, इसको आप यहाँ से क्या करेंगे, बाइनरी कर लीजिए। MW2 कर लीजिए, इसको मैं डेसिमल कर देता हूँ और रिजल्ट हमारा MW4 पे आ जाएगा और यहाँ से आप बाइनरी। तो यहाँ पे आप बिट चेंज कर सकते हैं 111, उसके बाद यहाँ पे चले गए 11 ले लीजिए, देन यहाँ पे 11 और यहाँ पे आप 1 कर लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैं चाहता हूँ एक बिट हमारा लेफ्ट है, तो ये क्या लेफ्ट का है,
जैसे मैंने जीरो प्रेस किया तो यहाँ देखेंगे ये सारी बिट एक एक करके लेफ्ट चली गई, ये देखिए खिसक गई बिट। इसको मैं साइड कर देता हूँ नीचे और इसको ऊपर कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 0101, तो इधर शिफ्ट अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो जीरो इधर खिसकेगा, तो यानी यहाँ देखिए ये 00 हो गया, ये सारी बिट हमारी सारी क्या हो गई, एक एक बिट शिफ्ट होगी लेफ्ट में। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ देन 0 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, दो दो बिट हमारी शिफ्ट हो जाएंगे, जो 0101 है ये दो दो बिट हमारी आगे शिफ्ट हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम ये इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, यूज करते हैं, यानी शिफ्ट।